सिक्स बी पेंसिल से ही है। तो पहले ही जो आउटर लेयर है वो बना लो आराम से, ठीक है। जो अलग अलग सेक्शन से, जैसे ये एक पोर्शन आ रहा है, फिर यहाँ ऊपर उठ के ये वाला पोर्शन एक आता है, तो ये हुआ। थोड़ा सा स्केच को ऐसा टेढ़ा रखेंगे अपन, ताकि ऐसे कर्व करने में आसानी रहे, स्टार्ट कर दे। तो कंटिन्यूस लगाना, ऐसा नहीं कि एक लगा उसके बीच में दूसरे के बीच में गैप आ जाए, नहीं, अपन को कंटिन्यूस लगाना है, थोड़े प्रेशर के साथ लगाना। सिक्स बी को एकदम बहुत लाइटली यूज नहीं करना है, मीडियम टोन पे यूज करने की कोशिश करो सिक्स बी को। और यहाँ पे जहाँ पे अपन ने फर्स्ट लेयर में छोड़े थे, इसमें भी सेम वहीं पे छोड़ना है। पेंसिल को कंटिन्यूसली घुमाते रहो ताकि जो शार्प एज है वो आते रहे, ठीक है। सेम इस वाले एरिया में करेंगे। ठीक है, इस तरीके से अपन ने ऊपर वाला एरिया करा। अब सेम तरीके से जो नीचे है, नीचे के लिए एक बार ध्यान रखना, पेंसिल अगर ब्लंट हो जाए तो पेंसिल को शार्प कर लो, लेकिन ब्लंट स्ट्रोक्स नीचे की तरफ नहीं आने चाहिए, ओके। तो एकदम शार्प स्ट्रोक्स से चाहिए, तो या तो नीचे से ऊपर की तरफ लाओ ऐसे हल्के हल्के, ओके। लेकिन रैंडम लेंथ से लाना, कुछ ऊपर से स्टार्ट करो कुछ नीचे से, वरना बेटर रहता थोड़ा नीचे से यहाँ स्टार्ट करो, जैसे ये है, इसके थोड़े नीचे से स्ट्रोक्स लगाना स्टार्ट करो। वैसे ही रैंडम लेंथ के आएंगे नीचे नीचे भी, ओके। और जो ऊपर का एरिया है, फिर वहां थोड़े ऊपर ऊपर ले जाओ ऐसे स्ट्रोक्स, ठीक है। और फिर बीच में जो एरिया बचता है उसमें पेंसिल ऐसे पीछे पकड़ो, 6B से बहुत कम ही स्ट्रोक्स लगाने हैं, ऐसे बहुत भर भर के नहीं लगाने, एक दो स्ट्रोक्स ऐसे लगा दिया अपन ने 6B से। सेम चीज यहाँ से करेंगे, ऐसे नीचे नीचे की तरफ हल्के हल्के रैंडम तरीके से, मतलब ऐसा नहीं कि सब एक ही लेंथ पे रुक रहे हैं, नहीं, कुछ थोड़े नीचे जा रहे हैं कुछ ऊपर रुक रहे, इस तरीके से लगाने हैं स्ट्रोक्स अपन को। और शार्प जो पॉइंट है, पेंसिल को कंटिन्यूअसली घुमाते रहो, शार्प पॉइंट से लगाना। ठीक है, ये हुआ। अब थोड़ा जो ऊपर का एरिया बचता है, यहां से ऐसे एकदम सेंटर से नहीं करना, जहां खत्म हो रहे वहां से स्टार्ट करने की कोशिश करना, ताकि जो बीच में जो डार्क एरिया से आ जाता है ना, जहां पे वो मिक्स होते हैं, वो ना आए, ठीक है। ऐसे हल्के हल्के से ऊपर ऊपर बनाना स्टार्ट कर दो। बहुत ज्यादा नहीं भरना है अपन को, हल्के हल्के ही ऊपर आने चाहिए, और इनमें भी बीच बीच में हल्के हल्के 6B से डाल दो। इस तरीके से अपना ये एक पोर्शन हो जाता है। ये वाला पोर्शन आता है यहाँ पे, इसे भी डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसी को अपन को क्या करना है, जैसे अब ये हाईलाइट्स तो सिर्फ इस वाले पोर्शन में बचते हैं, ये वाले में नहीं थे, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रोक्स ऐसे लगाते हैं, पेंसिल को कंटिन्यूअसली ऐसे करके घुमाते जाओ, ओके। ये वाले जो पोर्शन में, यहाँ पे अपन ऐसे स्ट्रोक्स लगाएंगे,
यहाँ पे जो आ रहा है यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे स्ट्रोक्स लगाओ। ठीक है, यहाँ पे हाईलाइट से अब इनको बहुत ज्यादा से भरना नहीं है, बीच बीच में हल्के हल्के शार्प से कर्व से स्ट्रोक्स लगा, पूरा नहीं भरना। मैंने इस तरीके से कर लिया, अब क्या करो पेंसिल का जो शार्प एज है उससे हल्के हल्के ऐसे तीन चार हेयर्स यहाँ पे, तीन चार देखो चेहरे पे मत ले आना, यहाँ पे कर्व करते हुए हेयर्स, ठीक है चेहरे पे मत ले आना, यहाँ पे भी जो स्ट्रोक्स लगा रहे हो एक आध दो ऐसे हेयर्स कर्व करते हुए ऐसे धीरे धीरे यहाँ पे करो। ये वाले पोर्शन में देखो ऐसा मत करना कि यहाँ पे लाइट हो गए हेयर्स और यहाँ पे अपन ने थोड़े प्रेशर के साथ डार्क कर दिए, फिर वो लेयर में प्रॉब्लम आती, बाद में लगता है कि भाई ये वाला इस साइड लाइट है, ये डार्क है, ये लाइट है, वो डार्क है, वो नहीं चाहते अपन, नहीं चाहते कि कंसिस्टेंसी हो अपने स्केच में। इस वाले पोर्शन में आते हैं तो यहाँ पे कैसे करना है, डायरेक्ट कर्व नहीं करना, थोड़े उठा के ऐसे कर्व करने, मतलब यहाँ से ऐसे उठाया फिर पीछे की तरफ कर्व, तो उससे क्या होता है ये इफेक्ट आता है कि पीछे से निकलते हुए आप, तो यहाँ से ऊपर की और फिर इधर की तरफ कर्व, डायरेक्टली कर्व करने की जगह जैसे अपन ने फर्स्ट लेयर में किया था सेम उसी तरीके से, तो यहाँ से पीछे की तरफ हेयर्स चलिए ऊपर वाले जो बन में आ रहे हेयर उनमें कैसे करना है, उनमें भी ऐसे कर्व करते हुए लाना है। ये बीच वाले पोर्शन में यहाँ पे भी सेम तरीके से कर लो, हेयर्स ऐसे कर्व करते हुए यहाँ पे आ गए और सेम यहाँ पे कर्व करते करते यहाँ पे आ गए। ओके इस तरीके से अपना लेफ्ट वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। तो अपन ने स्केच उल्टा रख के कर रहे हैं अभी, ठीक है, ताकि अपने स्ट्रोक्स अच्छे लगे। तो पहले अपन हल्की हल्की आउटलाइन दे देंगे कि यहाँ जा रहा है इस एरिया का, इधर ठीक है किया स्केच को, फिर अपन को कर्व रखना है तो स्ट्रोक्स अपने अच्छे से होने चाहिए। तो अपन क्या कर रहे हैं सेम चीज जो अपन ने लेफ्ट साइड करी थी ये वाला हिस्सा छोड़ दें, यहाँ पे भी कर रहे हैं तो कर्व लगाते जाओ, बीच बीच में ये वाला पार्ट छोड़ते जाओ, पेंसिल को रोटेट करते जाओ ताकि शार्प पोर्शन आए और गैप मत दो, ठीक है ऐसा नहीं कि बहुत गैप दे रहे हैं, स्ट्रोक्स कंटिन्यूस और पास पास होने चाहिए। ऊपर का पोर्शन हुआ, ये वाले पोर्शन में भी स्ट्रोक्स अच्छे तरीके से लगा लो अपने अंदर की तरफ ऐसे कर्व करते हुए। ओके फिर
इस वाले पोर्शन में। जो हेयर्स वाला पोर्शन है, आप एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे हेयर्स में अपने को हाईलाइट है, लेकिन इतने से पोर्शन में छोड़ने का मतलब बनता नहीं है, ये तो बहुत बड़ा एरिया है। तो अपन क्या करेंगे, कंप्लीट होने के बाद इस पे अपन अपनी मैकेनिकल इरेजर जो है मोनोजीरो इरेजर, उससे अपन हल्के हल्के जो एरिया है वो इरेज करके हाईलाइट्स बनाएंगे। ओके, सेम चीज मैं यहाँ कर रहा हूँ जो अपन ने किया था, थोड़ा नीचे से, ताकि मैं इसके ऊपर ऊपर से स्ट्रोक्स कंटिन्यू कर सकूँ इसे। यहाँ से नीचे की तरफ गए, पेंसिल घुमाते जाओ ताकि स्ट्रोक्स शार्प रहे। ओके, क्या करना फिर, हल्के हल्के बीच में से ऐसे सिक्स भी से थोड़े थोड़े स्ट्रोक्स लगा अपन ने, यहाँ पे भी वही चीज करना। इस तरीके से अपन ने सेकेंड लेयर जो है वो कर लिया आराम से। इसमें भी बाल जो इधर उधर बिखर से रहे हैं ऐसे रैंडमली जो जा रहे हो, सिक्स बी से भी दो चार बना लो हर एक पोजीशन पे। ठीक है, कुछ यहाँ जा रहे हैं, कुछ नीचे जा रहे हैं, उसे बिखरते हुए से बाल, बहुत ज्यादा भर के नहीं बनाना कि एकदम बाल कम वो बुशेस ज्यादा लग रही, वो नहीं करना अपन। ठीक है, अब इसके बाद ब्रश लो, ब्लेंड करना स्टार्ट करो, चेहरे पे नहीं आना चाहिए, ये नहीं कि पूरे चेहरे पे फोरहेड अपन ने, ब्रश से ब्लेंड करो आराम आराम से। देखो बहुत एक ही जगह मत खींचते रहना, वहां पे क्या होता फिर ग्रेफाइट इकट्ठा होते ज्यादा डार्क होता है। कंटिन्यूएशन बनाए रखो इस तरीके से, जहां लग रहा है कि अभी भी ब्लेंड नहीं हुआ वहां थोड़ा और अच्छे तरीके से चलाओ। एक कांस्टेंट प्रेशर के साथ चलाना है अपन को ब्रश, ऐसे रेंडमली कुछ भी नहीं कि यहाँ ज्यादा हो गया यहाँ कम हुआ। ओके, और मेरे हेयर्स थोड़े कम वो लग रहे होंगे डार्क, क्योंकि यहाँ लाइट सोर्स की वजह से शाइन मार रहा है। ओके, ना अगर देखा जाए तो सही अमाउंट में डार्क है 6B के हिसाब से, और डिफरेंस देख सकते हो ये ब्लेंड करने के बाद और ये बिना ब्लेंड कर। यहाँ पे मुझे स्ट्रोक्स दिख रहे हैं, यहाँ पे कम दिख रहे हो, ज्यादा स्मूथ और बेटर लुक आ रहा है। ये जो एरिया है जहाँ पे हाइलाइट्स नहीं है इन्हें थोड़ा अच्छे से करो ताकि ये थोड़ा डार्क हो जाए, क्योंकि अपन देख सकते हैं अपने डिफरेंस में बीच बीच में डेप्थ जो है यहाँ यहाँ वो है, तो वो भी अपन करेंगे। उसी डायरेक्शन में ब्रश चलाओ जिस डायरेक्शन में अपने हेयर्स आ रहे हैं, यहाँ पे अपन को हेयर का फ्लो दिखाना जरूरी होता है। ठीक है, चेहरे पे नहीं आना चाहिए पूरा ग्रेफाइट, ऐसे नीचे नीचे आराम आराम से करना। सबसे ज्यादा आराम से करना होता है अपन को 10B में, क्योंकि 10B बहुत जल्दी फैल सकता है। गलती से अगर एक स्ट्रोक यहाँ लग गया चेहरे पे तो 10B वाला ग्रेफाइट यहाँ पे मार्क की तरह छूट सकता है, वो अपन नहीं चाहते। ठीक है, इस तरीके से किया, फिर जो हेयर स्ट्रैंड्स जा रहे हैं जो बाहर की तरफ जा रहे हैं एक दो बार, उन पे बस ऐसे एक हल्का सा ब्रश फेर दो, उन पे घिसने की जरूरत नहीं है क्योंकि बैकग्राउंड फिर गंदा हो सकता है अपना। ओके, तो डिफरेंस देख सकते हो, लेफ्ट पार्ट जो ब्लेंड किया हुआ है, राइट पार्ट बिना ब्लेंड करे, तो हर लेयर के बाद फिरते जाते तो हेयर्स और बेटर होते जाते हैं यहाँ पे। Thank you.
है, तो यहाँ पे हेयर्स जो आ रहे हैं ना ये वाले, 6B लो, 6B से भी दो तीन ऐसे स्ट्रोक्स ये अपन ने बना दिए, ठीक है। तो ये अपने हेयर्स की जो सेकेंड लेयर रहती 6B वाली वो ब्लेंड हो गई। अपन को सेम चीज 10B से करनी है, लेकिन 10B में एक चीज ध्यान रखनी है अपन को कि अपन को हाईलाइट से बहुत ज्यादा पास नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि हाईलाइट्स अपन ने पूरे भर दिए, वो बीच बीच में जहाँ हाईलाइट्स नेसेसरी है और कुछ ज्यादा डेप्थ है, जैसे डेप्थ मान लो यहाँ यहाँ पे ज्यादा आ रही है या फिर यहाँ हाईलाइट ज्यादा है, तो वो अपन जो है वो लास्ट में करते हैं। अपना पहले काम जैसे रहता है ना, चेहरे पे सारी लेयर्स दे दी, फिर जो डिटेलिंग वाला काम रहता है वो। अभी भी बालों में डेप्थ मिसिंग है, कपड़े ज्यादा डार्क लग रहे हैं, तो अपन को मैच करना है कि ये भी 10B होना चाहिए। वो अभी इतना करो, ठीक है, उसके बाद फिर अपन 10B करते हैं। तो 10B से ऐसा नहीं करना कि कुछ जगह लाइट हो गया, कुछ जगह डार्क, ओके। और ऐसा भी नहीं कि पूरे ही अपन 10B को बहुत ज्यादा ही लाइटली यूज कर रहे हैं कंपेयर टू 6B। अपन को डेप्थ दिखानी है, डेप्थ के लिए एक रेफरेंस समझ लो कि जितना ज्यादा डेप्थ अपन ने यहाँ नीचे क्लोथ्स में दी है ना, हेयर ऑब्वियसली उतने ही डार्क होंगे, तो अपन को लगभग उतने ही डार्क रखना है। देखो 10B में अब क्या रहता है, बीच बीच में थोड़ी स्पेस चल जाती है, क्योंकि इसमें भी देखो तो बीच में दिख रहे होंगे कुछ लाइट से हेयर है, कुछ डार्क से हेयर है। फोन पे देखो और बेटर दिखेगा, प्रिंट आउट में थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाती है इमेज, ठीक है। तो उस तरीके से जैसे ये है पीछे का एरिया मानो, तो यहाँ से जो स्ट्रोक्स आ रहे हैं वो अंदर की तरफ आएंगे, तो जो स्टार्टिंग में स्ट्रोक्स आ रहे हैं वो अपने डार्क हैं और अंदर जाते जाते थोड़े लाइट हो रहे हैं, तो वो चलता है उसमें। क्यों? क्योंकि अपने रेफरेंस में भी वैसे ही कुछ है, यहाँ पे डार्क है और यहाँ आते आते लाइट हो रहे हैं, तो वो चलता है। लेकिन हर जगह नहीं चलेगा, अगर इस तरीके से करना चाह रहे हो तो फिर एक एक स्ट्रोक लगा देख के लगाओ कि कहाँ पे डार्क होना चाहिए और कहाँ पे लाइट। और अगर फ्लो के साथ चल रहे हो कि चलते ही जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना कि ये पोर्शन डार्क, ये पोर्शन लाइट, ये डार्क, ये लाइट, नहीं, फिर इवनली स्प्रेड करो उन सबको, ओके। और सेम तरीके से अपन को करना है, अपन ने सेक्शंस डिवाइड से कर दिया। चेहरे पे बहुत ज्यादा ऐसे डार्क स्ट्रोक्स मत लाना,
नीचे वाले एरिया पे आराम से करना, ऐसे मत करना कि बहुत ब्लंट आए स्ट्रोक्स और चेहरे पे आ जाए ढेर सारा, ठीक है, उससे दूरी रखना। देखो दो चीजें होती है, सेफली करने के चक्कर में कभी कभार अपन क्या करते हैं, बहुत लाइट स्ट्रोक्स लगा देते हैं, क्योंकि अपन को वो एरिया पे गड़बड़ नहीं करना, तो वो भी नहीं होना चाहिए कि अपन ने नीचे वाले एरिया में एकदम ही लाइट स्ट्रोक्स लगा दिए। तो ये एरिया थोड़ा कॉशन से करना होता है, ठीक है, टाइम लगता है जरूर है इसमें, नीचे नीचे ऐसे हल्के हल्के स्ट्रोक लगाने में, लेकिन अच्छे से करो तो बढ़िया बनेगा ये। और 3 लेयर 4 लेयर जब भी किसी में करो तो हाइलाइट्स, मैंने क्या बताया, अगर अपन को इतना सा चाहिए होता है तो अपन यूजुअली उससे थोड़ा ज्यादा एरिया छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि तो अपन को पता है जितनी अपन लेयर्स करते जाते हैं और ब्लेंड करते हैं, सेम चीज हेयर्स में भी रहता है, तो ब्लेंड करते करते कभी ऐसा ही नहीं हो कि अपना जो हाईलाइट वाला पोर्शन है वो कम हो जाए। जैसे अपन ने 10 भी लगा लिया, 10 भी किया था, अपन क्या कर सकते हैं मैकेनिकल पेंसिल से थोड़े से और ऐसे हाईलाइट स्ट्रोक्स अंदर अंदर और दे सकते हैं, ठीक है, तो वो बेटर लगेगा। ओके, तो इस तरीके से अपन ने किया, सेम तरीके से ऊपर वाले एरिया में भी कर देते हैं। तो लेफ्ट वाला एरिया मैं बता रहा हूँ, राइट वाला एरिया होमवर्क हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास से पहले कर लेना। ऊपर वाले एरिया में भी ये रहता है कि यहां से निकल रहे तो डार्क है, या फिर ऊपर से नीचे आ रहे तो डार्क है, उस तरीके से भी कर सकते हो कि यहां से नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स जो भेजे वैसे थोड़े प्रेशर के साथ भेज दिए, ठीक है, कर्व करते हुए ऊपर डार्क, और फिर जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं स्ट्रोक्स जो उन्हें मिल रहे हैं वो थोड़े लाइट से हो गए, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रास्ट बनाने के लिए लास्ट लेयर में ये भी कर सकते हो, क्योंकि जब ब्लेंड करोगे तो ये ज्यादा डार्क दिखेगा। इस तरीके से अपन ने ये एरियाज कर लिए। ओके, तो अपना जो लेफ्ट वाले पोर्शन में 3rd लेयर होती है 10B की, वो कंप्लीट हो गई है। तो राइट वाला होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास से पहले उतना कर लेना।